रिवन, मैं मलिन निशा। लास्ट वीडियो में मैंने मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस शेयर किया था, और ये वीडियो में मैं अपना प्रेगनेंसी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एंड जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आफ्टरनून में डॉक्टर ने बोला था कि आपको नाइट एडमिट होना है। उसके पहले मैंने एक चीज़ बताना भूल गई थी लास्ट वीडियो में कि एडमिट जैसे हम इवनिंग रेडी हो रहे थे जाने के लिए एडमिट होने के लिए, तो मुझे रेड टिश्यू डिस्चार्ज हुआ था एंड देट वॉज़ अ साइन फॉर डिलीवरी। वो बस एक ही बार हुआ था एंड आई एम एडमिट हुए, मॉम आई, मेरे हस्बैंड चले गए वहाँ से एंड आई हैड अ गुड फूड और अच्छे से सोई टू इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर स्ट्रेंथ। अच्छे से सोई एंड खाई भी एंड हाँ, उसके पहले मुझे नर्स वगैरह ने इंटरनल चेकअप किया था। वो मुझे बोले कि मॉर्निंग तक डिलीवरी हो जाएगा, मॉर्निंग में डिलीवरी हो जाएगा। एंड जैसे मॉर्निंग हुआ तो दे गेव मी एनेमा इन ऑर्डर टू पास मोशन, क्लियर स्टमक, एम्प्टी द स्टमक, बट कुछ असर नहीं हुआ उसका मुझ पर। एंड मुझे लेबर रूम में लेकर गए, लेबर रूम में लेकर जाने के बाद पेन इंड्यूस किया क्योंकि नेचुरली पेन कुछ हुआ नहीं मुझे। तो जैसे 8:00 AM सुबह पेन इंड्यूस किया तो हर हाफ एन आवर में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन था, लाइट, बहुत लाइट। बट जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है एंड उन्होंने ट्रिप भी इंक्रीज कर दिया पेन के लिए, तो जैसे ही टाइम जा रहा था तो हर 15-15 मिनट्स में पेन होने लग गया। तो फिर मेन डिलीवरी रूम में मुझे लेकर गए। जैसे मेन डिलीवरी रूम में लेकर गए तो मेरी कज़न नर्स है तो उनको अलाउ किया, बाकी किसी को अंदर अलाउ नहीं किया। शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत मुझे इंकरेज किया एंड बाकी जो 4-5 नर्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे एंड दे ऑल्सो इंकरेज मी, मोटिवेटेड मी सो मच। और वो जब बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया तो इट वॉज़ वेरी अनबेरेबल, बहुत बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया मेरे को। मेरी कज़न सब बोल रहे पुश करो पुश करो, बट मैं बहुत टायर्ड हो गई एंड बीच में मैंने ये भी बोल दिया कि मुझे सी सेक्शन करा दो या फिर एपिडरल दे दो करके, मैं से बिल्कुल सह नहीं पा रही हूँ मैं एंड आई बिगन टू शाउट कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। बट आई ट्राइड अ लॉट, बहुत पुश करने की कोशिश की, बट एट लास्ट मुझे बहुत टायर्ड होने लगी, मुझे नींद आने लग गया, आई बिगन टू स्लीप। इंटरनल सर्विक्स अब अच्छे से ओपन होने के बाद, हाँ उसके पहले मेरा NST कंटिन्यू था, NST टेस्ट लेते जा रहे थे तो बेबी का हार्ट बीट 3 times बहुत लो हो गया था। 3 times मुझे ऑक्सीजन लगाया गया, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले एंड हार्ट बीट भी बेबी का इंक्रीज हो जाए तो तभी हो जाता था, बट टोटल डिलीवरी में मेरे को 3 times ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। एंड NST हमेशा स्ट्रेट लाइन आ रहा था तो नर्स को डाउट हुआ कि बेबी ने मोशन पास किया है करके, तो फिर उन्होंने इंटरनली चेक किया कि वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो वाइट है या कुछ और कलर में चेंज हुआ है, बट इट वॉज क्लियर वाइट। तो उनको वो डाउट भी क्लियर हुआ कि बेबी ने मोशन पास नहीं किया है, तो बेबी सेफ एंड गुड। तो जैसे 11:30, 11:15 समथिंग को डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आए एंड डॉक्टर ने पेन किलर दिया और एनेस्थीसिया दिया एंड थोड़ा एपिसियोटमी स्टिचेस कट किया एंड वैक्यूम से पुल किया बेबी को, बिकॉज बेबी नीचे तक नहीं आया था, तो पुल करके बेबी को ऐसे एक अलग फीलिंग था, इट वॉज लाइक अ गश आउट फीलिंग, बेबी बाहर आ गया एंड आई वॉज लुकिंग लाइक दिस। तो आई वॉज वेरी शॉक कि हाँ हो गया, बिकॉज आई थॉट कि बहुत टाइम लगेगा, 8 hours, 10 hours, बट मुझे 4 hours में हो गया, बट द पेन वॉज वेरी 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 सीवियर। और उसके बाद मुझे थोड़ा भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं, एंड बेबी को पीडियाट्रिशियन के पास दिया एंड दे वर डूइंग समथिंग बिहाइंड मी, मुझे कुछ ठीक से दिखा नहीं। एंड जैसे उन्होंने सब क्लीन वगैरह किया तो बाजू में रखा एंड आई वॉज लुकिंग लाइक दिस,
एंड वॉज वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग. जैसे मुझे वो स्टिचेस वगैरह, उसके पहले मेरा प्लेसेंटा पुल करना था क्योंकि वो नेचुरली बाहर नहीं आया. जब नेचुरली बाहर नहीं आता है तो डॉक्टर पुल करते हैं. तो जैसे उन्होंने पुल करने गए थे तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर पेन था. मुझे ऐसा लगा कि डिलीवरी पेन से भी ज़्यादा पेन मुझे इसमें हो रहा है. तो मैंने चिल्लाया और मैं बैक में थोड़ा ऐसे जंप करके बैठ गई, मतलब सो गई. तो डॉक्टर ने बोला डोंट डू दैट करके बहुत मुझे बोले वो. एंड उन्होंने सडनली पुल किया एंड वो पेन भी ठीक हो गया. एंड स्टिचेस वगैरह करते टाइम लाइट पेन था. तो जब मुझे नर्स ने बोला कि आप बेबी के पास देखो, मैं ऐसे बेबी के पास देख रही थी एंड वो पेन मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ. एंड वॉज वेरी 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 हैप्पी. इट वॉज जस्ट वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल फीलिंग दैट आई एवर गॉट इन टू माई लाइफ. ऐसे फील हुआ मुझे. एंड मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हुआ करके, क्योंकि जब भी वो लोग मुझे चेक करते थे, क्लीन करते थे ना, तो मुझे उनको फील हुआ कि ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा है. अगेन डॉक्टर के और उन्होंने वापस मुझे स्टिचेस में कुछ तो किया. एंड अगेन मुझे डिलीवरी लेबर रूम में लेकर जाके सब किया. एंड अगेन डिलीवरी रूम से बाहर भी एक बेड वगैरह है, वहाँ पे मुझे थोड़ी देर तक लेटाया. एंड बेबी को जब डिलीवर हो गए तो रैप करके मेरे पास लेकर आए थे. एंड बेबी को चीक टू चीक लगाया एंड आई सेड टू गिव टू माई मॉम फर्स्ट. सब बाहर थे एंड नर्स लेकर गई एंड मॉम को दिखाई. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड मुझे बिल्कुल भी पेन उसके बाद नहीं हुआ. आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग कि ईच प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट एंड ईच डिलीवरी इज़ डिफरेंट. वी शुड नेवर कंपेयर सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी. दोनों भी डिलीवरी में पेन है. कुछ लोग बोलते हैं कि सी ईजी है, कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मल ईजी है, इसमें पेन नहीं होता इसमें. बट एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू द पेन. सो पेन है बट एट लास्ट द हैप्पीएस्ट मोमेंट इज बेबी. सो एन्जॉय ऑल योर प्रेगनेंसी एंड थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी जस्ट एन्जॉय ऑल द डे. बिकॉज हम प्रेगनेंसी होने के बाद बेबी बम एंड बहुत सारी चीज़ें मिस करने लगते हैं एंड हम बस बेबी पे फोकस करते हैं. दैट ऑल वॉज अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी. एंड आई हैव शेयर ऑल द ट्राइमेस्टर वीडियो एंड ये मेरा डिलीवरी स्टोरी था. इन नेक्स्ट वीडियो आई शेयर माई पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस, जैसे कि स्टिचेस पेन एंड ब्लीडिंग भी बहुत हुआ मुझे एंड हीलिंग बहुत स्लो था स्टिचेस का. आई शेयर ऑल दिस विथ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.